इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीएसटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जीके की क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। इससे आपको लग जाएगा कि कल के एग्जाम में आपसे जीके के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कल एग्जाम के बाद आपको आंसर की भी इसी चैनल पर मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेला ख्याल दंगल आपके राजस्थान के दौसा जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पिछवाई कला किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिछवाई कला आपके श्री कृष्णा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर और बीकानेर। यानी कि इससे आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि जनगणना से क्वेश्चन बन सकता है कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में अमर सागर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी आभूषण कहाँ पहना जाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारी आभूषण आपके नाक में पहना जाता। तो जितने भी आभूषण है वो आप देख ले, कल एक कोई भी आभूषण आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कहाँ पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप का राज तिलक आपके गोगुंदा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेतन राघव को रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया, उसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिट क्षेत्र संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में भूमिट क्षेत्र आपके उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम है निजरानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ लिए हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेगाना क्षेत्र आपके राजस्थान में टंगस्टन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय आपके जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाग बाग क्या है? तो लाग बाग आप एक किसानों पर आरोपित कर है जिसे लाग बाग कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया किस वर्ष में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया, यानी कि निम्न में से किसने राजस्थान का पहली बार प्रयोग किया शब्द का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपको गंगानगर दिया हुआ है जबकि आपका हनुमानगढ़ होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताम्र संस्कृति के चिन्ह आपके उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अधिकांश जोधपुर जिले में पाई जाती है सिरवी जाति खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न माना जाता है, यानी कि मेवाड़ के सिसोदियों को क्या माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ के सिसोदियों को सूर्यवंशी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा है? राजस्थान की पहली या औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार माने मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की फर्ज चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के फर्ज चित्रकारी आपके मेवाड़ से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बगरू की छपाई आपके राजस्थान के जयपुर हिस्से से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला किला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाला किला आपके अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यानी कि कोई भी किला आपको पूछा जा सकता है कल, इसलिए आप जितने भी किले हैं वो जरूर देख के जाए एग्जाम से पहले। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मोहनलाल सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता था यह कहकर, तो दौलत राम को राजस्थान में किसानों को मसीहा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना बूटा सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति है कैलाश मेघवाल। ये करंट का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता पानी के अभाव के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी का उद्गम स्थान अजमेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न में से किस जिले में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चांद बावड़ी आपके दौसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जोधपुर शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गार्डन बड़ा बाग आपके जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया एक समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इन चार में से नरेश चंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कल बीएसटीसी एग्जाम के बाद आपको आंसर की भी इस चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएगी। कमलेश नागर कोटिन भारत अंडर 90 के विश्व कप में खेला गया किस वर्ष में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2018 में। यह करंट का क्वेश्चन है तो करंट आपके 2021 और 22 से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन चार में से दौसा जिला आपके उत्तरी अरावली क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से 1959 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना समुदाय का परंपरागत नेता किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीना समुदाय का परंपरागत नेता आपके पटेल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह राजस्थान में 688 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजधानी का पुरस्कार किसे मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजधानी का पुरस्कार आपके नीरज डालिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी कांता कुमारी भटनागर। एंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कुशाल सिंह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।